सोयो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सभी सभी लोग। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं यार भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग यूट्यूबर्स के यार भी, मतलब कि माइनक्राफ्ट में सबसे पहले उन्होंने कौन सा घर बनाया था यार भी, तो उनका मतलब कि यार भी रिएक्शन भी देखने वाले हैं कि उनने फर्स्ट घर में माइनक्राफ्ट में कौन कौन सा बताया था और यार भी बनाया था मतलब कि यार भी। एंड गाइस आपको भी पता चल जाएगा उन्होंने यार भी फर्स्ट घर कौन सा बनाया था, तो वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना। एंड गाइस वीडियो के बीच में यार भी मैं शाउट आउट भी दे सकता हूं यार भी, तो वीडियो स्किप मत करना यार भी, स्किपेबल वीडियो मत करना। एंड गाइस मतलब सपोर्ट दिखाओ यार भाई अच्छा खासा यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना गाइस, एंड भी इस वीडियो को लाइक कर देना है। मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे बिल्कुल फुल टू फुल सपोर्ट में हो यार भी, मतलब सपोर्ट दिखाया करो। चलिए बिना किसी टाइम थोड़े फटाफट से इंट्रो लगा देते हैं। तो सारे ही कट ना मार दे, लेकिन ये दोबारा नहीं होगा ना, ऑब्वियसली ऐसा ही रहेगा उजड़े चमन जैसा। अब वो गलती से हो गया था तो मुझे ये करना पड़ गया, चलो बाकी पे नहीं करेंगे। आज जब मैंने ये माइनक्राफ्ट गेम ओपन करी थी, मैं इतना एक्साइटेड था बिकॉज हमें एक ब्यूरेड मैप मिला था लास्ट एपिसोड में और मैं उसे डिस्कवर करने जाने वाला था, बट सारे सपने चूर चूर हो गए, क्या करें। ओके गाइज, हमारा घर हो गया है तैयार। ये थोड़ा उजड़ा चमन जैसा लग रहा है, वैसे वहाँ पर मैं टॉर्चेस लगा था लेकिन अभी मैं टॉर्चेस बना नहीं सकता, वरना सबसे पहला काम मैं वही करूँगा। और टेंशन ना लो, ये घर हमेशा ऐसा नहीं दिखेगा, हम चेंजेस लाते रहेंगे जैसे जैसे एपिसोड आते हैं। अभी अभी लगे आंख खा लूंगा भाई, सब तो उठा यार, लेकिन एक चीज उठाना भूल गया, जो जमीन पे हमें मैट बिछाना है ना वो उठाना भूल गया, वो शायद से ना मेरे हिसाब से उनके घर में था ही नहीं। और अभी मैं अपने घर पर वापस आ चुका हूँ और यार मैं सोच रहा था कि ना बहुत अच्छा बना है, लेकिन यार उतना अच्छा लग नहीं रहा अभी, क्योंकि जो साइड साइड की लुक है ना, ये जितना भी एरिया सारे हमारे घर की लुक खराब कर रहा है, तो मेरे को साइड का जितना भी पहाड़ है ना सारा हटाना पड़ेगा और इसको हटाने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर जो हमारा लेकिन घर की जो सीढ़ियां वो बहुत ज्यादा मस्त है, मतलब चढ़ने में एक अलग ही मजा आता है। और यहाँ पर जो मैं डोर लेकर आया था ना, उस डोर को अपने घर में सबसे पहले लगाते हैं, तो डोर कहां पर है, ये रहा डोर, तो ये वो डोर है, इसको मैं लगाने वाला हूं आज, यहां पे लगाते हैं अपने डोर को इस तरीके से। और एक ही डोर लाया था मैं, तो दो डोर लाया था, एक मिनट रुको। तो यार वहां पर से ने मैंने दो डोर तोड़े थे, लेकिन मैं लेकर एक ही आया हूं, तो मैंने अभी एक डोर लगा दिया। तो एक काम करते हैं ना, जब तक के लिए कल ले आएंगे दूसरा डोर, क्योंकि अभी रात होने वाली, रात में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यहां पर मैं इसे ब्लॉक कर देता हूं। अभी हम एक ही डोर का यूज करेंगे, बाद में यूज कर लेंगे दो डोर का। तो चलो भाई अभी एक डोर का अपना सेटअप हो चुका, बाद में लगा लेंगे दूसरा डोर। तो भी चलो यार आज की इस वीडियो में नहीं, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर देना। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हो सकता है आपको इससे भी तगड़ा घर मैं बनाकर दिखाऊं, फिलहाल इसी वाले घर को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें मैंने अपनी काफी ज्यादा मेहनत लगा दी। और यहाँ पर भी बेड वेड लगाना बाकी है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, बट यार ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं माइनक्राफ्ट को खेल रहा हूँ, काफी टाइम पहले खेली थी लेकिन उस टाइम को फोर लाइट्स नाइस आ जा। तो एक दर हम यहाँ लगा, लग रहा है हमारा आलीशान बंगला, ऐसे आलीशान बंगला तो नहीं लग रहा लेकिन ठीक है, आई थिंक इट्स फन। अरे वाओ लुक इट नाइस मैन। अभी मुझे सीढ़ी बनानी है यहाँ पे, तो आगे सीढ़ी कैसे बनाऊँ मैं, ताकि छत पे आने जाने के लिए थोड़ी बहुत आसानी हो। यार छत पे जाने के लिए आसानी तो होती है लेकिन सुबह कर लेंगे, नीचे जाने में, नीचे आने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम पड़ सकती है यार। तो आई थिंक आई ओ नो नो, बाहर निकल, सुबह के ज़ॉम्बी आ जाए तो बाहर निकल यार। तो आई थिंक गाइस इस वीडियो में इतना काफी है, हमारा छोटा सा घर होली होली बड़ा हो रहा है और हमारा दो रंगी घर कितना अच्छा लग रहा है रात के अंधेरे में। इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, क्या कहते हो, आई थिंक वी आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब, हम अच्छी जॉब कर रहे हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो अगली वीडियो में यार यहाँ पे खिड़की नहीं है यार, यहाँ पे खिड़की बनाते हैं, वन खिड़की इज मिसिंग, यहाँ पे खिड़की होनी चाहिए, लाइट नहीं लगानी चाचू यार, लाइट नहीं लगानी, बत्तियाँ ले लेते हैं यहाँ से, घर के पीछे भी लाइट होनी चाहिए, यहाँ लाइट लगा लेते हैं, ले लीजिए, और यहाँ पे भी एक लाइट लगा लेते हैं, नहीं यहाँ पे लाइट नहीं लगाते यार, खिड़की खोल, यहाँ पे हमें खिड़की लगानी है यार, ताकि हमें बाहर का ही पता लगे कि बाहर क्या हो रहा है। एक खिड़की बची है, एक ग्लास बचा है, इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं, चारा लुकिंग वेरी नाइस, लुकिंग वेरी नाइस। तो चलिए गाइस आई थिंक इस वीडियो में इतना घर काफ़ी है, अगली वीडियो में हम थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करेंगे ताकि हमें खाना ढूंढने की कोई प्रॉब्लम ना हो, हम अपना खाना खुद ही उगाएंगे। तो लीजिए गाइस ये है हमारा, तो लीजिए गाइस ये है हमारा घर जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इससे पहले कि ज़ॉम्बीज आ जाए, मैं यहाँ से निकल के एक झप्पी सी ले लेते हैं। तो चलिए गाइस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन। एंड तो अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, तो अभी जो मैं बेसिकली करने वाला हूँ, एक बहुत ही मेन चीज है वो ये होगी कि मैं इस पर्टिकुलर इलाके में फेंसेस लगाने वाला हूँ, जो कि मैं ऑफलाइन लगाऊंगा, ऑनलाइन नहीं लगाऊंगा। एंड नाउ लुक, ये वाला जो मेरा घर है, नहीं मेरा पुराना घर है, ये मेरा सबसे पहला घर है माइनक्राफ्ट का, तो ये बहुत ही तगड़ी तगड़ी यादें जुड़ी हुई इस घर के साथ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मैं इस घर को मैं पूरी तरीके से तोड़ दूँ, ठीक है। तो
मैं यहाँ पर टॉर्चेस टूर्चेस लगा देता हूँ ना, यहाँ पर भी लगा देते हैं। एंड बेसिकली ये वाला घर मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओके रात भी हो चुकी है, पहले मैं सो जाता हूँ एक बार। ओ माय गॉड, जस्ट लुक मेरी छत देखो आप लोग यार एक बार, अच्छी नहीं लग रही क्या बताओ? वाओ भाई साहब, इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस, मुझे लगा बाहर कोई है। तो ये मेरा कैसल तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ऐसा करते हैं ना, एक कैंडल मैं यहाँ भी लगा देता हूँ, कैंडल तो क्या टॉर्च, और अभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, इंटीरियर डिजाइनिंग हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ पर मैं बेड भी लगाऊंगा, यहाँ पर मैं सब कुछ लगाने वाला हूँ अपने लिए, जो भी मेरे जरूरत का सामान है जिससे कि मैं जिंदा रह सकूँ। फर्नीचर के साथ मैं सोच रहा हूँ दो चार फर्नीचर एक साथ लगा देता हूँ ना, और चेस्ट भी मैं दो चार पांच बनाने वाला हूँ यहाँ के लिए, जो कि मैं ऑफलाइन बना दूंगा। और बेसिकली मेरा प्लान है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा ऑलमोस्ट पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारा बेसमेंट है जहाँ पर मेरा बेडरूम बनने वाला है, और ये मेरा गेस्ट रूम है, और बेसिकली इसी के पीछे, यहाँ से पीछे ना इस दीवार के पीछे, वो हमारा स्विमिंग पूल आता जो हमने इससे पहले देखा था, तो वहां से पानी आ रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मैं यहाँ पर करूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग ऐसी करूँ कि मैं वहां के लिए डायरेक्ट दरवाजा अंदर से ही बना सकूं, ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। अगर मुझे तैयारियां मारनी है ना, तो मैं सीधे अंदर ही अंदर से वहां पहुंच जाऊं और कोई भी क्रीपर वगैरह मुझे मार ना सके। वाओ, दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस, ओ माय गॉड, यस। आज हम लोगों ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस करी है कि मैं अपने लिए घर बना चुका हूं, कैसल पूरा का पूरा। और अब हम अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं कि इस जगह को हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे, हम लोग यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री भी लगाने वाला हूँ, पर वो अभी नहीं लगाऊंगा, आगे आने वाली कुछ वीडियोस में लगाऊंगा मैं डेफिनेटली वो भी। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा घर कैसा लगा है। सो गाइस बताओ मुझे कमेंट्स में यार आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी धासु नेक्स्ट वीडियो में। सभी मेरे को नीचे उतरने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा, एंड इसके फ्रंट एरिया को थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हो गया, मैं बस एंटर करता हूँ और मैं ऊपर पहुंच जाता हूँ, मेरे को बटन भी नहीं दबाना पड़ता नीचे आने के लिए, बस इसमें आके ये कर दूं। हाँ भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे भी लॉजिक लगाएं। दूर से चमक देख रहे हो आप, अब दूर दूर से ही दिखेगा। ओ माय गॉड, वो लिफ्ट वाला घर पता है तुम्हें? हाँ, वो लाइव इंसान का है, यू नो दैट लिफ्ट वाला घर जिसके आगे एक नेदर पोर्टल भी है, और जहाँ पे बहुत सारा शुगर केन का वो खेती कर रखा है, एंड उसका फेंस भी उसने लगा रखा है। भाई एक गजब की दुनिया यहाँ पे बना ली है मैंने, ठीक है। तो अगले एपिसोड में प्रॉबेबली हम जो है ऐसे जानवरों को लेके आएंगे, घोड़े, बकरी, गाय और मुर्गियाँ, ऐसा बहुत बड़ा खेत बनाने वाले हैं। आज हमने एक बहुत ही प्यारी लिफ्ट बनाई है, मतलब मेरे को ये चीज सबसे अच्छी लग रही है। आई जस्ट ओपन द डोर, एंटर और सीधा ऊपर, हाथ भी नहीं लगाना पड़ रहा। तो एनीवेज जल्दी से वीडियो को लाइक करो, एंड फिर इसका बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। मैं तो सच में, मेरे से नहीं वेट हो रहा अभी तो, अगले पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं पता, पर ये लिफ्ट, आई लव दिस लिफ्ट, एंड ऑल्सो माय शुगर केन का फार्म जिसको बनाने के लिए मैंने सच में मेहनत करी है। तुम लोगों को आसान लग रहा होगा, हुआ ये कि वो वाला पार्ट मैंने जो रिकॉर्ड करा था, वो वाली रिकॉर्डिंग सारी करप्ट हो गई एकदम, क्योंकि कंप्यूटर में स्पेस फुल हो गई थी, तो पता ही नहीं वो रिकॉर्ड होते होते खराब हो गया था। व्हाट एवर, अगली वीडियो में मिलते हैं हम, वीडियो को लाइक। ये मेरा पहला घर है, पहले सो लेते हैं, नहीं तो घर के अंदर जाने से पहले ही। गुड मॉर्निंग, आहा, ये है मेरा मस्त वाला घर। मुझे मालूम है जरा बहुत ही गरीब घर है, लेकिन बंगला हो या घोसला, अपना घर आखिर अपना होता है। एक्चुअली इस घर को हम लोग थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, पहले ऊपर से बंद करता हूँ, थोड़ा और वुड लाना पड़ेगा। चप चप चप, यार मुझे सीरियसली डर लग रहा है, ये चीज का मुझे डर लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके चलो और काम करते हैं इस घर पे, मैं यहाँ पे एक छत बनाने वाला हूँ ताकि थोड़ा घर जैसा लगे, अभी तो जेल लग रहा है। A few moments later. Okay, तो ये हो गया तैयार, और मैंने ऊपर बालकनी भी बनाई है, अगर हम पे दुश्मन अटैक कर रहा हो तो हम लोग वहाँ से देख सकेंगे। अभी थोड़ा घर के अंदर लाइट वाइट लगाते हैं, इधर 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 इधर, ये घास निकालो, यहाँ पे बेड लगा दो, यहाँ पे फर्नेस, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, और यहाँ पे एक चेस्ट, मुझे एक लैडर भी लगेगी, इस पे लगाता हूँ। ओके, हमारा घर तैयार हो चुका है, मेरे खुद के कमाई का घर। अभी के लिए ये छोटा है, लेकिन ये बड़ा होता रहेगा। यहाँ पे हमारी बालकनी है, इधर से हम लोग इसको देख सकते हैं। एए, हुँ, इधर देख, इधर इधर, ओए इधर उधर देख रहे, इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरी ऊपर 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 देख, ऊपर देख, नोप छोड़ो, वापस एक बार रात होने को आई है।